होना तय है, अगर संतुष्ट हो जाती है तो बच भी सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी का डर जो आम आदमी पार्टी बार बार जाहिर कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इतिहास की बात रही तो इतिहास में ये पहली बार होगा। कई पूर्व मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, लालू यादव, जयललिता, ओम प्रकाश चौटाला, अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू आंध्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में गए 49 दिन के लिए, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री रहते हुए कोई जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में, मैं नाजमिन खान आपके साथ। शराब घोटाले की जांच की आंच अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल का नाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात बार बार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक होती है, विधायकों की बैठक होती है, और उस बैठक के बाद जब पत्रकारों से सवाल जवाब यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कर रहे होते हैं, यहाँ पर आतिशी दिखाई देती हैं, तो वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, वो कुछ ऐसी बातों को बोलते हुए नज़र आते हैं, जिसके बाद ये साबित होता हुआ नज़र आता है क्या वाकई अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार हो जाएंगे। 30 अक्टूबर को ईडी का नोटिस जाता है और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहुंचते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल दिखाने की कोशिश करते हैं कि गैरकानूनी तरीके से नोटिस जारी किया, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के इशारों के तहत ये नोटिस जारी करवाया गया है। शराब घोटाला घोटाला ही नहीं है, जानबूझकर इसे भ्रष्टाचार के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का तो ये कहना है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल का नंबर लगा है ये गिरफ्तारी के लिए है। मनीष सिसोदिया के बाद, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आने वाला है, तो ये तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, और लगातार आप 30 अक्टूबर से ही देखिए कि आम आदमी पार्टी यही कहे जा रही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब तय मानी जा रही है, तो क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाकई भ्रष्टाचारी हैं? क्या आम आदमी पार्टी खुद ये मान बैठी है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में अब अरविंद केजरीवाल की बात? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो जो आम आदमी पार्टी बार बार दावा कर रही है या अपने डर को जाहिर करने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी से 3 बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं जेल जा चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्हें अभी फिलहाल थोड़ी राहत मिली है अंतरिम जमानत के तौर पर, लेकिन वो भी इस मामले में फंसे हुए हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं फिर से एक बार। और मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो भी लगभग 260 से 265 दिन जो है वो जेल में बिता चुके हैं। संजय सिंह की बात करें तो 10 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं है कि वो जेल से बाहर आएंगे। और इसी वजह से, इसी एक पैटर्न को देखते हुए आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि अगर अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर उनका भी हाल इन तीनों नेताओं जैसा होगा, और इसीलिए वो बार बार अपने डर को जाहिर करने की कोशिश जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा में अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं मनीष सिसोदिया की तरह, संजय सिंह की तरह, तो पार्टी जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी जमीनी स्तर पर, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने से कई पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संघ कमजोर पड़ सकते हैं, तो यहां पर अगर सूबे के मुखिया ही चले जाएंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी जो है वो खतरे में पड़ेगी। दूसरी चीज कि भ्रष्टाचारी है या नहीं, देखिए इस बात का फैसला तो कहीं ना कहीं अदालत करेगी और अदालत सबूतों का इंतजार कर रही है, मनीष सिसोदिया के मामले में भी कर रही है, संजय सिंह के मामले में भी कर रही है। कुछ सबूत ईडी ने पेश भी किए हैं जिनके आधार पर, जो अगर बात करें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज भी किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज किया है, तो यहां पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया है, तो ये वो तमाम चीजें हैं। अब ईडी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जांच का जो समय है वो उन्हें दिया गया है, तब तक अगर सबूत नहीं पेश कर पाते तो जाहिर तौर पर
पर भ्रष्टाचार को लेकर के जो ये पूरा मामला चल रहा है, इस पर कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। लेकिन गिरफ्तारी का डर जो आम आदमी पार्टी बार बार जाहिर कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है और ऐसे में जनता तक ये पूरा मामला पहुँचाना जरूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जनता तक पूरा मामला पहुँचाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि सौरभ भारद्वाज एक बड़ी बात कहते हुए नज़र आए थे कि अब हमारी सरकार जेल से भी चल सकती है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो हमारी सरकार जेल से चलने के लिए भी तैयार है। और ये बैठक कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए मुद्दे पर देखी गई थी। लेकिन क्या वाकई यहां पर कानूनी प्रावधान के तहत देखा जाए तो सरकार क्या जेल से भी चल सकती है? बार बार आम आदमी पार्टी का जो ये दावा किया जा रहा है, क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? तो हमारे साथ राकेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कानूनी प्रावधान के तहत कोई सरकार जेल से भी चल सकती है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया, इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है, और यहाँ पर जेल से भी सरकार चलेगी, तो क्या कानून के तहत ऐसा है और क्या इतिहास में ये पहली बार होगा, ये इससे पहले भी हो चुका है? देखिए नाजमीन, एक तो सबसे पहली बात कि केजरीवाल जो खुद अरविंद केजरीवाल है वो जेल से करेंगे क्या? कोई विभाग तो उनके पास है नहीं, सारे विभाग तो उन्होंने बांटे हुए थे और लपेटे में आ गए उनके दोस्त। वो मौखिक आदेश देते रहे और लिखित आदेश उनके जो मंत्री मित्र हैं वो पास करते रहे, तो केजरीवाल खुद क्या करेंगे जेल से, ये एक समझने वाली बात है। दूसरी बात कि कल जैसे जो बैठक हुई कल या शायद परसों, तो उसमें जो एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक और राजेंद्र नगर से जो विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम जनमत कराएंगे। क्या ये वैसा ही जनमत होगा जैसी नई शराब नीति के समय कराया था? क्योंकि सीबीआई ने जब इसकी जांच की थी तो उन्होंने इस बात पर भी दावा किया था कि ये जो जनता से राय वाला जो पूरा प्रकरण था इसमें भी घोटाला किया गया, तो कैसा जनमत है? और ये जो इतिहास की बात रही तो इतिहास में ये पहली बार होगा, कई पूर्व मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, लालू यादव, जयललिता, ओम प्रकाश चौटाला, अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू आंध्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में गए 49 दिन के लिए, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री रहते हुए कोई जेल में जा रहा है, और वहाँ से किस रूप में सरकार चलेगी? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है जो न्यायपालिका है, कोर्ट है, वो इतना ही आदेश देती है कि वहाँ जो विधायक जिस विधानसभा से हैं वहाँ का काम ना रुके, पूरी सरकार किस रूप में चलेगी और इसकी परमिशन कोर्ट देगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, यहाँ जैसे कि सौरभ भारद्वाज ने यही कहा था कि जो भी मीटिंग होगी, जो भी बैठकें होंगी वो जेल से देखी जाएंगी, हम कोर्ट से परमिशन लेंगे, जैसा भी आपने ये भी कहा कि कोर्ट से परमिशन लिया जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ से कि यहाँ पर कोई हत्या के आरोप में कोई शामिल नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है किसी की हत्या की गई है, यहाँ पर तो घोटाले का मामला देखा जाता है, भ्रष्टाचार का मामला देखा जाता है। और ईडी अधिकारी जब मनीष सिसोदिया संजय सिंह को यहां पर जांच के तहत एक तरीके से गिरफ्तार करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, तो अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस जारी किया गया, उसके बाद क्या देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जवाब भी दे देते हैं, लेकिन दूसरे नोटिस जारी करने में अब इतनी देरी लगा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि तीसरे नोटिस तक जवाब नहीं देंगे तो सीधा अदालत में पेश होना होगा, गैर कानूनी तरीके से गैर जमानती वारंट भी जारी हो जाएगा, तो अभी तक नोटिस जारी क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, अब जिस रूप में अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया था ईडी को कि इस समन में जो व्यापक स्तर पर साफ नहीं है चीज़ें, तो उसी के ऊपर ईडी काम कर रही होगी कि किसी तरह का लूपहोल नहीं छोड़ा जाए, जिससे कि अगली बार भी अरविंद केजरीवाल किसी और कानूनी मुद्दे को बीच में लाकर पेश होने से बच सके। अभी जैसे अभी हाल ही में 9 नवंबर को अभिषेक बैनर्जी की भी ईडी के सामने पेशी है, पिछली बार वो भी पेश नहीं हुए थे, उन्होंने भी कई कानूनी पहलुओं पर ईडी का ध्यान केंद्रित किया था, तो वापस से उन पहलुओं को रेक्टिफाई करके वो अक्टूबर का सितंबर का नोटिस अब वापस से नवंबर में जारी किया गया है दोबारा से रिवाइज करके। तो ये एक प्रक्रिया रहती है जाँच एजेंसियों की कि जो पिछली बार गलतियाँ खामियाँ रह गई उस खामियों को दूर किया जाए। एक छोटा सा सवाल गिरफ्तारी को लेकर, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय मानी जाएगी, पक्की मानी जाएगी?
देखिए ये तो अब ये है कि समय बताएगा, और अगर जांच एजेंसियां उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाती है तो गिरफ्तारी होना तय है, अगर संतुष्ट हो जाती है तो। देखने वाली बात होगी कि अब जब ईडी का दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा, उस पूछताछ में अगर यहां पर सच में ही अरविंद केजरीवाल गुनहगार साबित होते हैं, यहां पर साबित हो जाता है कि वो भी अपराधी हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जाएगी, और यहां पर ये भी देखा जा सकता है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लेकिन अभी इस बात का इंतज़ार करना होगा, नोटिस का इंतज़ार करना होगा, और ये देखना होगा कि ईडी अधिकारी कब इस बात पर एक्शन लेते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।